इस कहानी की शुरुआत में हमें एक रेकुन को दिखाया जाता है जो खाने की तलाश में एक नए राज्य में आता है जिसका नाम होता है फोगी बोरो। यहाँ पर रेकुन पूरे शहर में खाने की तलाश में घूम रहा होता है कि तभी उसकी नज़र दो विसल पर जाती है जो खाना चुरा कर भाग रहे होते हैं। और अब रेकुन भी उन दोनों विसल का पीछा करते हुए उनके मालिक के पास पहुँच जाता है जो पिल नाम की एक अनाथ लड़की होती है जो अपने दोनों विसल दोस्तों के साथ फोगी बोरो राज्य में रहा करती थी। पिल जब रेकुन को देखती है तो रेकुन को भी अपने पास रख लेती है और उसे खाने को देती है। इसके बाद हम टिस्टेन को देखते हैं जो फोगी बोरो का कार्यवाहक राजा होता है। दरअसल राकेन ब्रूम के असली राजा त्रोबार्ड के मरने के बाद टिस्टेन को तब तक के लिए राजा बना दिया गया जब तक कि राजकुमार रोलैंड बड़े ना हो जाए। और अब राजकुमार रोलैंड बड़े हो चुके होते हैं और उनके 18th बर्थडे के दिन ही उन्हें फोगी बोरो का नया राजा बना दिया जाएगा जो जल्दी आने वाला होता है। अब पिल अपने दोस्तों के साथ शहर की छतों पर कूदते हुए क्रोबर के पास आ जाती है। दरअसल क्रोबर एक सैनिक होता है जो पिल को एक गनों मानता है, इसीलिए पिल को पकड़ने के लिए ब्रेड रखकर जाल बिछा रहा होता है। लेकिन पिल अपने विसल दोस्तों की मदद से ट्रेप से बचते हुए बड़ी आसानी से क्रोबर के द्वारा रखे गए ब्रेड को चुरा लेती है और क्रोबर उसे पकड़ भी नहीं पाता। तभी वहाँ पर टिस्टेन आ जाता है जिसे देखकर क्रोबर जल्दबाजी में अपने द्वारा बनाए गए गड्ढे में गिर जाता है, जिसे देखकर टिस्टेन क्रोबर को बेवकूफ समझकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हम पिल को देखते हैं जो बच्चों खेलते हुए देख रही होती है कि तभी उसकी गेंद एक उचित जगह पर चली जाती है, जिसे देखकर पिल बच्चों की गेंद को वापस लाकर उन्हें दे देती है। लेकिन जब उन बच्चों के पेरेंट्स अपने बच्चों को पिल के साथ खेलते हुए देखते हैं तो उन्हें वापस बुला लेते हैं, जिससे पिल को बहुत दुख होता है और उदास होकर फोगी बोरो के टावर पर बैठ जाती है। अगले सीन में हम टिस्टेन को देखते हैं जो अपने महल में बैठकर राजकुमार रोलैंड को मारने का प्लान बना रहा होता है ताकि वो हमेशा के लिए फोगी बोरो का राजा बन जाए। टिस्टेन के कमरे में आवाज सुनकर रोलैंड वहाँ जाता है। रोलैंड को देखकर टिस्टेन पूरी तरह से हैरान हो जाता है और उन्हें बहला फुसलाकर वापस भेज देता है। अगले दिन पूरे राज्य के लोग अपने होने वाले नए राजा के लिए महल में तोहफा लेकर आते हैं। इन्हीं लोगों में पिल भी अपने विसल दोस्तों के साथ वेश बदलकर महल के अंदर आ जाती है, जहाँ पर उसके विसल दोस्त द्वारा लाए गए स्वादिष्ट पकवानों को खाने लगते हैं। तभी वहाँ पर बुफुन नाम का एक लड़का भी आ जाता है जो जोकर बनकर लोगों को हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके जोक से कोई नहीं हंसता और वो जहाँ भी जाता है गड़बड़ी कर देता है। बुफुन अपने हाथों से एक बेहतरीन कठपुतली भी बनाता है, लेकिन उसके कठपुतली के जोक्स इतने फनी नहीं होते, जिसकी वजह से गेटकीपर बुफुन को राजकुमार के सामने कठपुतली शो करने से मना कर देता है। तभी वहाँ पर पिल आ जाती है जिसे बुफुन के कठपुतली का जोक बहुत फनी लगता है और वो हंसने लगती है। पिल को हंसता देखकर बुफुन बहुत खुश होता है क्योंकि पहली बार उसके जोक पर हंसा था। बुफुन और पिल एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं कि तभी वहाँ पर रोलैंड की मौसी आ जाती है जो रोलैंड के ताजपोशी के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है। वो रोलैंड को राजा थ्रोबार्ड के एक सीक्रेट खजाने के बारे में बताती है, जिसे राजा थ्रोबार्ड ने सही समय आने पर रोलैंड को बताने के लिए बोला था। लेकिन ये बात पिल भी सुन लेती है और वो किंग थ्रोबार्ड के सीक्रेट खजाने को चुराने के लिए एक्साइटेड होती है, लेकिन उसे पता नहीं होता कि वो सीक्रेट खजाना कहाँ है। अब राजकुमार रोलैंड के पास टिस्टेन आता है जो रोलैंड से कहता है कि मुझे आपके राज्य अभिषेक से पहले आपको कुछ बताना है, और वो रोलैंड को अपने साथ ले जाता है। वहीं दूसरी तरफ पिल के विसल दोस्तों को क्रोबर खाना खाते हुए देख लेता है और उन्हें पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। लेकिन इससे पहले कि क्रोबर उनको पकड़ता, वहाँ पर पिल आ जाती है जो अपने विसल दोस्तों को लेकर सिपाहियों से बचते हुए शाही महल के टावर में आ जाती है, जहाँ पर टिस्टेन का लेब होता है। पिल टिस्टेन के लेब को देखकर पूरी तरह से हैरान होती है क्योंकि टिस्टेन की लेब में बहुत सी मैजिकल सीरम रखी हुई होती है। तभी वहाँ पर टिस्टेन भी राजकुमार रोलैंड के साथ आ जाता है, जिसे देखकर पिल छुप जाती है। अब टिस्टेन चुपके से रोलैंड को शराब के नाम पर अपने लेब में बनाया गया एक मैजिकल सीरम पीने को देता है और रोलैंड को अपनी कहानी सुनाता है कि किस प्रकार जब वो छोटा था तो उसे राजा की शान और शौकत बहुत अच्छी लगती थी और वो भी बड़ा होकर एक राजा बनना चाहता था, लेकिन वो राजा के परिवार से नहीं था, जिसकी वजह से उसे राजा बनने नहीं दिया गया और वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ जादू सीखने लगा। लेकिन उसका इसमें जरा भी मन नहीं लगता था और वो किसी भी तरह से राजा बनना चाहता था, इसीलिए एक दिन उसने राजा के शराब में जहर मिलाकर उन्हें मार डाला और उनकी मौत का जिम्मेदार अपनी ग्रैंड मदर को बना दिया। उसकी ग्रैंड मदर
मदर सजा से डरकर राज्य से भाग गई और एक शापित जंगल में छुप गई। टिस्टेन की कहानी सुनकर रोलैंड डर जाता है, लेकिन अब टिस्टेन के मैजिकल सीरम का असर रोलैंड पर होना शुरू हो जाता है। तभी टिस्टेन का पालतू डॉग शोर मचाने लगता है, जिसकी वजह से टिस्टेन पिल को देख लेता है और वो पिल को मारने के लिए उसके ऊपर हमला कर देता है, क्योंकि पिल ने सारी बातें सुन ली थी। अब यहाँ पर क्रोबर भी पिल को ढूंढते हुए आ जाता है, जो देखता है कि राजकुमार रोलैंड देखते ही देखते एक आधे चिकन और आधी बिल्ली में बदल जाते हैं। क्रोबर ये सब देखकर पूरी तरह से हैरान होता है। वहीं दूसरी तरफ पिल टिस्टेन से बचते हुए महल में आ जाती है और एक जगह छुप जाती है, क्योंकि अब क्रोबर और टिस्टेन उसे ढूंढ रहे होते हैं। यहाँ पर पिल के पास राजकुमार रोलैंड आते हैं, जिन्हें देखकर पिल उनकी मदद करने के लिए राजी हो जाती है, लेकिन बदले में वो राजकुमार से राजा के सीक्रेट खजाने को मांगती है, जिस पर रोलैंड इनकार कर देता है और वो मदद के लिए अपनी बुआ के पास जाता है। लेकिन रोलैंड की बुआ उसे पहचान नहीं पाती और लात मारकर उसे वहाँ से भगा देती है, जिसकी वजह से रोलैंड को पिल की शर्त माननी पड़ती है। अब यहाँ पर क्रोबर और टिस्टेन भी रोलैंड और पिल को ढूंढते हुए आ जाते हैं, लेकिन पिल एक राजकुमारी की ड्रेस पहन लेती है और रोलैंड चाय खाने पर बैठ जाता है, जिसकी वजह से ये लोग उसे पहचान नहीं पाते। अब पिल क्रोबर से खुद को राजकुमारी बताती है और वो क्रोबर के साथ मिलकर राजकुमार को ढूंढने लगती है। अब ये लोग उस जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर शाही खजाना रखा होता है और बुफून समारोह में आए मेहमानों को हंसाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बुफून के जोक पर कोई नहीं हंसता। यहाँ पर पिल और क्रोबर मिलकर राजकुमार को ढूंढ लेते हैं और अब टिस्टेन भी यहाँ आ जाता है, जो राजकुमार को मारना चाहता है। लेकिन इससे पहले कि वो राजकुमार को मारता, पिल राजकुमार और बुफून के साथ महल से बाहर आ जाती है और टिस्टेन देखता ही रह जाता है। महल से बाहर आने के बाद क्रोबर राजकुमार को देखकर उन्हें अपने साथ लेकर जाने लगता है, लेकिन राजकुमार डरकर पिल के पास आ जाते हैं और पिल क्रोबर से कहती है कि मैं राजकुमार का अच्छे से ध्यान रख सकती हूँ, क्योंकि मैं एक राजकुमारी हूँ। अब क्योंकि पिल ने एक राजकुमारी की ड्रेस पहनी हुई थी, इसलिए क्रोबर पिल को पहचान नहीं पाता और पिल को राजकुमारी समझकर राजकुमार को उसके पास रखने देता है। अब पिल राजकुमार को लेकर शापित जंगल में टिस्टेन की ग्रैंड मदर के पास जाना चाहती है, ताकि उनके मैजिक की मदद से राजकुमार ठीक हो सके। यहाँ पर बुफून भी पिल के साथ चलने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन पिल को शापित जंगल का रास्ता नहीं पता होता। पिल की बात सुनकर क्रोबर पिल से कहता है कि मुझे शापित जंगल का रास्ता पता है, क्योंकि मैं बचपन में वहाँ मशरूम लेने गया था। उस समय वो जंगल उतना शापित नहीं था जितना आज है। क्रोबर की बात सुनकर पिल उसे अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन क्रोबर पिल के साथ जाने से मना कर देता है। लेकिन जब पिल क्रोबर से वादा करती है कि अगर वो उसके साथ शापित जंगल में जाएगा तो क्रोबर को एक राजकुमारी की हैसियत से एक योद्धा घोषित कर देगी। पिल की बात सुनकर क्रोबर पिल के साथ शापित जंगल में जाने के लिए राजी हो जाता है, क्योंकि हमेशा से वो एक योद्धा बनना चाहता था। अब पिल क्रोबर और बुफून के साथ शापित जंगल की तरफ निकल पड़ती है। रास्ते में सभी लोग पिल को राजकुमारी समझकर झुक रहे होते हैं, जो पिल को बहुत अच्छा लगता है। रास्ते में इन्हें बहुत सी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है, क्योंकि राजकुमार रोलैंड आधे चिकन और आधे बिल्ली होने की वजह से कहीं भी चले जा रहे होते हैं। अब रात होने पर ये लोग एक जगह पर रुकते हैं, जहाँ पर क्रोबर पिल के लिए सूप बनाता है और अपने द्वारा बनाई गई पिल की छोटी सी मूर्ति पिल को तोहफे के तौर पर दे देता है, क्योंकि वो पिल को असली राजकुमारी मानता है। अब पिल भी राजकुमारी बनने के बाद काफी घमंडी हो गई थी, जिसकी वजह से जब क्रोबर पिल को तोहफे के तौर पर उसकी मूर्ति देता है तो ज्यादा ध्यान नहीं देती। लेकिन बुफून ये सब देख रहा होता है और वो अपने डमी की मदद से पिल को समझाता है। डमी की बात सुनकर पिल को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो क्रोबर को तोहफे के लिए थैंक्स बोलती है, जिससे क्रोबर बहुत खुश होता है। अगले सीन में हम टिस्टेन को देखते हैं, जो अपने सिपाहियों के साथ सबसे खतरनाक कातिलों के पास जाता है और उन्हें पिल के साथ उनके सभी साथियों को मारने को कहता है। कातिलों का सरदार इसके बदले टिस्टेन से ढेर सारा सोना मांगता है और ये लोग इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं कि टिस्टेन के इशारा करते ही उसके साथ आए सभी सिपाहियों को मार गिराते हैं। ये देखकर टिस्टेन बहुत खुश होता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पिल को देखते हैं, जो अपने दोस्तों के साथ शापित जंगल में आ जाती है और सभी को अलग अलग होकर टिस्टेन की ग्रैंड मदर को ढूंढने को कहती है, जो अब चुड़ैल बन चुकी होती है। क्रोबर और बुफून शापित जंगल में अकेले चुड़ैल को ढूंढने से बहुत डर रहे होते हैं और गलती से एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जिस दौरान डर के मारे क्रोबर अपने गदा से बुफून के सिर पर वार करता है। बुफून बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अगले सीन में हम पिल को देखते हैं, जिसको जंगल में किसी
किसी के पैरों के निशान दिखाई देते हैं जो एक जगह के बाद खत्म हो जा रहे थे। यह देखकर पिल क्रोबर और बुफुन को अपने पास बुलाती है और उनको पैरों के निशान दिखाती है। दरअसल पैरों के निशान किसी और के नहीं बल्कि टीस्टेन की ग्रैंड मदर के ही होते हैं। और ओगलेपल इनके सामने आ जाती है जिन्हें देखकर ये लोग डर जाते हैं, लेकिन पिल नहीं डरती। और ने सारी बात बताती है कि किस प्रकार टीस्टेन ने धोखे से राजकुमार को आधे चिकन और आधे बिल्ली में बदल दिया, जिसे ठीक करवाने के लिए वो राजकुमार के साथ उनके पास आई है। लेकिन चुड़ैल पिल की मदद करने से साफ साफ मना कर देती है और वहाँ से चली जाती है। चुड़ैल को जाता देखकर पिल भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है और जल्दी चुड़ैल के केसल में पहुँच जाती है, जहाँ चुड़ैल उदास खड़ी होती है क्योंकि उसे आज भी इस बात का दुख होता है कि किस प्रकार टीस्टेन ने उनके साथ धोखा करके उन्हें खूनी बना दिया। लेकिन जब पिल उनसे कहती है कि उनकी इस मदद से उसकी जिंदगी बदल जाएगी तो पिल की मदद करने के लिए राजी हो जाती है। अब यहाँ पर क्रोबर और बुफुन भी आ जाते हैं। चुड़ैल इन्हें बताती है कि राजकुमार को ठीक करने के लिए एक मैजिकल सीरम बनाना होगा, जिसके लिए हमें यूनिकॉर्न की पोटी की आवश्यकता होगी जो वेयरवॉल्फ गॉर्ज माउंटेन पर मिलेगा। चुड़ैल इन्हें यह भी बताती है कि वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है। अब पिल अपने दोस्तों के साथ माउंटेन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ हम टीस्टेन को देखते हैं जो अपने डॉग और कातिलों की सेना के साथ पिल को पकड़ने के लिए निकल पड़ता है। वहीं पिल अपने दोस्तों के साथ एक लंबा सफर तय करके वेयरवॉल्फ माउंटेन पर पहुंच जाती है। यहाँ पर चारों तरफ उन सिपाहियों के हथियार बिखरे पड़े होते हैं जो कभी यहाँ पर यूनिकॉर्न की पोटी लेने आए थे। यहाँ पर इन्हें एक भेड़ चरवाहा मिलता है जो इन्हें बताता है कि वो सालों से इस माउंटेन पर अपनी भेड़ चरा रहा है, लेकिन उसने कभी भी यहाँ पर यूनिकॉर्न को नहीं देखा। तभी पिल को कुछ दूरी पर यूनिकॉर्न की पोटी दिखाई देती है, जिसे देखकर पिल क्रोबर को उसे लेने के लिए भेजती है। और जैसे ही क्रोबर यूनिकॉर्न पोटी को अपने थैले में लेता है, आसमान में बादल छाना स्टार्ट हो जाते हैं और देखते ही देखते भेड़ चरवाहा एक यूनिकॉर्न में बदल जाता है। दरअसल चरवाहा यूनिकॉर्न होता है लेकिन उसे बात पता नहीं होती। अब यूनिकॉर्न बुफुन और पिल पर हमला कर देता है और वो दोनों अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। इसी दौरान बुफुन यूनिकॉर्न के सिंग में फंस जाता है और पिल नीचे गिर जाती है। लेकिन इससे पहले कि यूनिकॉर्न इन्हें मारता, वहां पर क्रोबर आ जाता है जो यूनिकॉर्न से लड़ने लगता है और इसी मौके का फायदा उठाकर पिल वहां से दूर भाग जाती है। अब क्रोबर और यूनिकॉर्न के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है, लेकिन क्रोबर यूनिकॉर्न के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और यूनिकॉर्न क्रोबर और बुफुन को दूर फेंक देता है। यहाँ पर पिल क्रोबर को शाही भाला देती है, जिसे लेकर क्रोबर बेड पर बैठकर यूनिकॉर्न से लड़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ पिल के विसल दोस्त पिल को थैला लाकर दे देते हैं जिसमें यूनिकॉर्न की पोटी होती है। पिल उस थैले को लेकर बुफुन के साथ एक चट्टान पर आ जाती है और क्रोबर भी यूनिकॉर्न से लड़ने के दौरान अपने भाले की मदद से पिल के पास चट्टान पर आ जाता है। यूनिकॉर्न इन लोगों को साथ देकर इनके ऊपर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वो चट्टान टूट जाती है और ये लोग चट्टान के साथ ही तेजी से माउंटेन के नीचे जाने लगते हैं। तभी धूप हो जाती है जिसकी वजह से चरवाहा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। लेकिन जब वो पिल को अपने दोस्तों के साथ ऐसे जाते हुए देखता है तो उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर यहाँ क्या हुआ था। अब पिल अपने दोस्तों के साथ यूनिकॉर्न की पोटी लेकर शापित जंगल में पहुँच जाती है। वहीं दूसरी तरफ टीस्टेन अपने डॉग की मदद से कातिलों की सेना के साथ शापित जंगल की तरफ बढ़ रहा होता है। अब पिल अपने दोस्तों के साथ यूनिकॉर्न पोटी लेकर चुड़ैल के पास आ जाती है। चुड़ैल यूनिकॉर्न की पोटी और बहुत सी अलग अलग चीजों को मिलाकर एक सीरम तैयार करती है, जिसे जब राजकुमार को पिलाया जाता है तो उसकी बॉडी में बदलाव आना शुरू हो जाता है और देखते ही देखते वो अपने असली रूप में वापस आ जाते हैं, जिसे देखकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। राजकुमार अपने असली रूप में वापस आने के बाद क्रोबर पिल को अपना वादा निभाने को कहता है और खुद को एक शूरवीर योद्धा बनाने के लिए अपना गदा पिल को देता है। लेकिन पिल क्रोबर को सारी सच्चाई बता देती है कि वो राजकुमारी नहीं बल्कि पिल है, जिसे वो गमन समझ कर पकड़ने की कोशिश करता रहता था। पिल की बात सुनकर क्रोबर बहुत दुखी होता है और कहता कि क्या तुम ये सब सिर्फ इसलिए कर रही थी क्योंकि तुम्हें राजा का सीक्रेट खजाना चाहिए था। इस पर पिल क्रोबर को समझाने की कोशिश करती है कि उसे खजाने की जरूरत है क्योंकि वो अपनी तरह अनाथ बच्चों का ख्याल रखना चाहती है। लेकिन क्रोबर पिल की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और गुस्सा होकर बाहर आ जाता है। क्रोबर को जाता देखकर पिल उसे समझाने के लिए उसके पीछे जाती है, लेकिन जब वो बाहर आती है तो पूरी तरह से हैरान हो जाती है क्योंकि टीस्टेन भी कातिलों की सेना के साथ वहाँ पर आ चुका होता है। टीस्टेन को देखकर सभी लोग डर जाते हैं।
है। ओटी स्टैन की ग्रैंड मदर जो अब चुड़ैल बन चुकी होती है, वो टी स्टैन से कहती है कि मैं तुम्हें इन लोगों के साथ कुछ करने नहीं दूंगी, लेकिन टी स्टैन पर उनकी बातों का कोई असर नहीं होता और वो कातिलों की सेना से इनके ऊपर हमला कर देता है। और जब वो क्रोबर पर हमला करता है तो पील बीच में आ जाती है, जिसकी वजह से तीर उसे लग जाती है और वो घायल होकर नीचे गिरने लगती है। ये सब देखकर राजकुमार गुस्से में टी स्टैन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता और उसके सोल्जर राजकुमार को पुल के नीचे फेंक देते हैं। इस समय चारों तरफ तबाही तबाही होती है और टी स्टैन क्रोबर बुफून और अपनी ग्रैंड मदर को लेकर अपने राज्य की तरफ निकल पड़ता है। फोगी बोरो पहुँचने के बाद टी स्टैन लोगों को बताता है कि राजा थ्रोबार्ड को मारने वाली चुड़ैल एक बार फिर वापस आ गई और उसने राजकुमार रोलैंड को अपने भयानक साथियों के साथ बंदी बनाकर अपने साथ ले गई और बहुत ही बेरहमी से उन्हें मार डाला। और अब राजकुमार के मरने के बाद फोगी बोरो का नया राजा मैं बनूंगा। टी स्टैन की बात सुनकर राज्य के लोग पूरी तरह से हैरान होते हैं और अब टी स्टैन बंदी बनाए गए पिल के दोस्तों के साथ वहाँ से निकल जाता है। अगले सीन में हम पिल को देखते हैं जो बेहोशी की हालत में पुल के ऊपर पड़ी होती है कि तभी वहाँ पर पिल के विसल दोस्त आ जाते हैं जो पिल को जगाने की कोशिश करते हैं और अगले ही पल पिल होश में आ जाती है। दरअसल टी स्टैन के द्वारा मारी गई तीर पिल को न लगकर उस खिलौने पर लगी थी जो क्रोबर ने उसे दिया था, जिससे पिल की जान बच जाती है। तभी पिल को राजकुमार रोलैंड की आवाज़ सुनाई देती है जो नदी के किनारे एक चट्टान से लटका हुआ था, लेकिन इससे पहले कि पिल राजकुमार को ऊपर आने में उनकी मदद करती, आग की वजह से पुल जलकर नीचे गिरने लगता है और पिल किसी तरह अपनी जान बचाने की कोशिश कर रही होती है। तभी पिल को चुड़ैल की जादुई छड़ी दिखाई देती है और पिल उस जादुई छड़ी की मदद से राजकुमार को नीचे गिरने से बचा लेती है। और अब पिल अपने विशाल दोस्तों और राजकुमार रोलैंड के साथ फोगी बोरो की तरफ निकल जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम टी स्टैन को देखते हैं जो क्रोबर को मौत की सजा सुनाता है, लेकिन इससे पहले कि क्रोबर को मारा जाता वहाँ पर पिल आ जाती है जो क्रोबर को बचा लेती है और सभी लोगों को बता देती है कि किंग थ्रोबार्ड का असली कातिल टी स्टैन है, जिसने जहर देकर राजा को मारा था और उसने राजकुमार रोलैंड को भी मारने की कोशिश की। पिल की बातें सुनकर टी स्टैन बोलता है कि यह लड़की झूठ बोल रही है, लेकिन तभी वहाँ पर राजकुमार रोलैंड भी आ जाते हैं जो राज्य के लोगों को पूरी सच्चाई बता देते हैं कि टी स्टैन ने ही मेरे पिता को मारा था और उसने मुझे भी मारने की कोशिश की। रोलैंड को जिंदा देखकर टी स्टैन पूरी तरह से हैरान होता है और वहाँ से भाग जाता है। टी स्टैन के जाने के बाद पिल अपने दोस्तों को आजाद करा देती है और अब पिल और क्रोबर के बीच की सारी गलतफहमियां भी दूर हो जाती है। वहीं टी स्टैन महल में आ जाता है और कातिलों की सेना को पूरे राज्य पर हमला करने का आदेश दे देता है। और अब कातिलों की सेना राजा के किले से राज्य के लोगों पर हमला करने लगते हैं। ये देखकर पिल अपने दोस्तों क्रोबर बुफून और चुड़ैल के साथ उन्हें रोकने के लिए निकल जाती है। वही रोलैंड नीचे रहकर लोगों की जान बचाने की कोशिश कर रहा होता है। क्रोबर और बुफून मिलकर कातिलों की सेना को रोकने की कोशिश करते हैं और पिल जादूगरनी के साथ टी स्टैन के लैब में आ जाती है जहाँ पर टी स्टैन मैजिकल सीरम बना रहा होता है। जादूगरनी टी स्टैन को समझाने की कोशिश करती है कि वो गलत कर रहा है, लेकिन टी स्टैन जादूगरनी की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता और मैजिकल सीरम अपने डॉग को पिला देता है, जिसे देखते ही देखते उसका डॉग एक जायंट ड्रैगन में बदल जाता है। वहीं दूसरी तरफ क्रोबर किसी तरह किले का दरवाजा खोल देता है और राज्य के लोगों के साथ कातिलों की सेना पर हमला कर देता है और अब इनके बीच एक खतरनाक युद्ध होना शुरू हो जाता है। अगले सीन में हम बुफून को देखते हैं जो किले पर से तोपों को हटाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसी दौरान सैनिक बुफून को ऐसा करते हुए देख लेता है और वो बुफून को मारने के लिए उसका पीछा करने लगता है। बुफून भागते हुए एक कमरे में आकर छुप जाता है। वहीं दूसरी तरफ टी स्टैन अपने जायंट ड्रैगन से पिल पर हमला कर देता है और पिल अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगती है। टी स्टैन के जाने के बाद चुड़ैल टी स्टैन की लैब में टी स्टैन के डॉग को फिर से अपने असली रूप में आने का एंटीडोट बना लेती है, लेकिन जब वो एंटीडोट पिल को देने के लिए जाने लगती है तो ड्रैगन अपनी पूंछ से जादूगरनी पर हमला कर देता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है और ड्रैगन पिल को पकड़ लेता है। लेकिन
तभी वहाँ पर पिल के विशल दोस्त जादूगरनी के मैजिकल छड़ी पर बैठकर वहाँ पर आ जाते हैं और टीचन को मारने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ बुफून अभी भी उस कमरे के अंदर फंसा होता है जिसके अंदर बारूद रखा होता है और अब उस कमरे में आग भी लगना शुरू हो जाती है जिसकी वजह से बारूद फटने के साथ ही बुफून की मौत हो सकती है। लेकिन बुफून अपने डमी को दरवाजे पर लगाकर कमरे से बाहर निकल जाता है और अगले ही पल बारूद फट जाता है जिसकी वजह से बुफून बारूद के साथ ही नीचे गिरने लगता है। लेकिन क्रोबर एक बारूद के बॉक्स को पकड़ लेता है जिसे वो तोप के अंदर डालकर उसके अंदर आग लगा देता है और तोप के साथ ही हवा में उड़कर विसल को मारने के लिए निकलता है। और जब टिस्टिन पिल को मारने के लिए आसमान से नीचे फेंक देता है तो क्रोबर पिल को बचा लेता है और ये दोनों राजा थ्रोबार्ड के विशालकाय मूर्ति के ऊपर आ जाते हैं। अब यहाँ पर पिल के विशाल दोस्त भी आ जाते हैं जो पिल को एंटीडोट दे देते हैं। लेकिन तभी ड्रैगन इनके ऊपर हमला कर देता है जिससे एंटीडोट नीचे गिरकर टूट जाता है। ये देखकर क्रोबर और पिल बहुत दुखी होते हैं। अब इससे पहले कि टिस्टिन इनके ऊपर हमला करता, पिल उसे राजा की मूर्ति में छिपे सीक्रेट खजाने को दिखाती है जिसे देखकर टिस्टिन बहुत खुश होता है। और जब पिल उस सीक्रेट बॉक्स को नीचे फेंकती है तो टिस्टिन उस बॉक्स को पकड़ने के लिए अपने ड्रैगन को नीचे लेकर जाता है। इसी दौरान पिल नीचे गिरी हुई एंटीडोट को एक बोन में लगा देती है और जब टिस्टिन को पता चलता है कि उस बॉक्स में कोई खजाना नहीं है तो गुस्से में अपने ड्रैगन को पिल पर हमला करने के लिए बोलता है। लेकिन तभी पिल एंटीडोट पर लगे बोन को ड्रैगन की तरफ फेंकती है जिसे खाते ही ड्रैगन अपने असली रूप में वापस आ जाता है और टिस्टिन अपने डॉग के साथ ही नीचे गिरने लगता है। और अब यहाँ की विशालकाय मूर्ति भी टूटने लगती है जिसकी वजह से पिल क्रोबर के साथ नीचे गिरने लगती है। लेकिन क्रोबर पिल को बचा लेता है और खुद नीचे गिर जाता है। अब राजकुमार रोलैंड राज्य के लोगों के साथ मिलकर कातिलों की सेना को हरा देते हैं और टिस्टिन कातिलों की सेना के साथ ही अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। पिल क्रोबर के पास जाती है और उसे मरा समझकर रोने लगती है। लेकिन क्रोबर अभी भी जिंदा होता है जिसे देखकर पिल बहुत खुश होती है और वो बुफून के साथ मिलकर क्रोबर को सबके सामने लाती है। और अब क्रोबर एक सच्चा योद्धा बन गया था। टिस्टिन के जाने के बाद रोलैंड को फोगी बोरो का नया राजा बना दिया जाता है। इसके बाद पिल राजा थ्रोबार्ड के सीक्रेट खजाने से राज्य में अस्पताल और अनाथालय बनाए जिससे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और यहीं पर इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और गाइस अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप एंड स्क्रीन पर क्लिक करके उन वीडियो को भी वॉच कर सकते हैं। और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।